टोलुइन की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन किया था, आज हम टोलुइन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसके हम कैरेक्टर देंगे, जैसे इसका कलर। तो कलर की बात करें तो टोलुइन कलरलेस लिक्विड होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं। नेक्स्ट स्मेल लाइक बेंजीन, इसकी स्मेल बेंजीन के समान होती है, मतलब बेंजीन की जैसी होती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट, टोलुइन का बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इन सॉल्युबल इन वाटर। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर ये दो तरीके की रिएक्शन को करता है टोलुइन। अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेटेड एसिडोसोमोल के साथ ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो हमें अलग प्रोडक्ट मिलेगा, बट अगर हम इसकी डाइल्यूट एसिडोसोमोल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमें अलग प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेटेड स्पेसोफोर के साथ
सॉल्वेशन सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड के साथ हो गई। अगर इसकी हम डाइल्यूट डिस्पर्सिव के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा एस्प्रेसोफॉन की प्रेजेंस में, ठीक है, तो हमें मिलेगा अलग कंपाउंड NO2 अब इसकी पोजीशन होती है 1 2 3 4 सॉरी 1 यहां से जहां से भी कोई नई कंपाउंड जुड़ा होता है, ठीक है, तो वहीं से इसकी हम काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 तो हमें क्या मिलेगा, तो ये नाइट्रो ग्रुप जो है कौन कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है 2 4 एंड 6 तो ये क्या मिलेगा 2 4 एंड 6 तीन नाइट्रो नाइट्रो ग्रुप है तो ट्राई नाइट्रो टॉलिक इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं टी एन टी ठीक है, इसका शॉर्ट में है टी एन, ठीक है, तो अगर हम टॉलिक की HNO3 के साथ रिएक्शन डायरेक्ट स्ट्रक्चर को प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें टी एन टी मिलेगा, यही अगर हम कॉन्स द कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रक्चर को प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें आर्गोनाइट्रोटोलुइन एंड पैरानाइट्रोटोलुइन मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर आपको एन पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। ये हो गया है आपको टॉलुइन सल्फ्यूरिक एसिड सल्फोनिक एसिड, ठीक है, पैरा टॉलुइन सल्फोनिक एसिड कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करता है तो इसमें हाइड्रोजन चलो हम बता देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराने पर हमें मेथिल साइक्लोहेक्सेन मिल रहा है, ठीक है, मेथिल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, तो आज हमने टॉलुइन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है।